प्यार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यू अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भरना नहीं, छुपती है फिर वफा एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया। बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में का। अच्छी तरह जानती हूँ मर्द जात को, ऐसे जाहिर करते हैं जैसे बहुत केयरिंग है और फिर बीच चौराहे में आपको छोड़ के चले जाते हैं जैसे जानते ही ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुराद कहाँ है? मुराद तीदम से प्यार करता है, वो दोनों एक हो चुके हैं, उन दोनों ने एक दूसरे को एक और मौका दिया है। एक बात याद रख, इन लड़कियों का कुछ पता नहीं होता, अच्छे खासे इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख देती। मुझे जाना चाहिए, काफी देर से मुराद मेरा इंतजार कर रहा है। ओके बाय बाय। मुराद सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ। तुम्हारे लिए। मगर ये किसने भेजा है? मुझे क्या मालूम, मगर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये किसने भेजे हैं। वो इसलिए कि वो तुम्हें दिलो जान से चाहता है, क्योंकि लाल फूलों का मकसद यही होता है, यानी तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड। आज के बाद तुम्हारी प्राइवेट लाइफ मेरी टेबल पे नहीं होनी चाहिए, समझ गई तुम? ओके समझ गई। हाँ, इसमें से तो अच्छी खुशबू आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये मुझे किसी चाहने वाले ने ही भेजा है। मैं उस चाहने वाले से ये कहूंगी, अगर अब कभी वो मुझे फूल भेजे तो मेरी टेबल पे रखे, ना कि मेरे बॉस की, क्योंकि मेरे बॉस को किसी की प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और कुछ कहना है आपको? नहीं। उस रात के लिए मुझे माफ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे एक और मौका दो। चैंक शर्मिंदा है और ऊपर से फूल भेज रहा है मुझे। सामने आओ तुम मेरे एक दफा, तुम्हारी सारी शर्मिंदगी एक मिनट में बाहर निकाल के रख दूंगी। एक ढीठ कम था जो एक और ढीठ मेरी जिंदगी में आ गया। मेरा चश्मा किसने फूलों का गुलदस्ता बना दिया? दुरुक आ गया क्या ऑफिस? जी आ गया मुराद सर। अच्छा ठीक है, ये फूल इस टेबल पे क्या कर रहे हैं, ले जाओ इन्हें यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी, मुझे नहीं पता यहाँ पर किस तरह रखते हैं, उसके दस मिनट फेंक देती हूँ। जैसे डिजाइनर आए मुझे फौरन बताओ, मुझे अगली मीटिंग में भी जाना है। ओके सर। ओके सर, मेरी तो जान ही चली जाएगी। हाँ, नेचुरल कलर्स और नेचुरल लाइंस, ये मेरा डिजाइन है, ये मेरा आइडिया है, ऐसा शेप होना चाहिए। लास्ट ईयर्स का थीम यही था ना? नहीं। नहीं, मेरा मतलब कि आपने कभी चाय को कॉफी के साथ ट्राई किया है? हम यहाँ फर्नीचर और डेकोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं मिस यार, अगर हम कोई कॉफी शॉप खोलने वाले होते तो यकीनन आपसे मशवरा लेते। आप किस तरह का चेंज लाना चाह रहे हैं?
हमारी तो किस्मत ही लगता है बेईमान हो गई है। ये हमारे साथ पहली बार थोड़ी हो रहा है। एक लड़के का बताया 6 फुट का धन निकला, मुझसे भी छोटा। मजे की बात तो यह है कि एक आंख में लेंस है, दूसरी में है ही नहीं। गाड़ी, घर, सब कुछ किराए पे लिया हुआ था उन्होंने। एक बात बताऊं असली, दामाद ढूंढना ऐसे है जैसे भूसे में से सुई। आपा हार मत मानना बिल्कुल। मैं थोड़ी हारने वाली हूँ ऐसी बातों से। कोई तो ऐसा मिलेगा ना हमें इस्तांबुल में, एक खूबसूरत, हसीन, बहादुर जवान। तुम देख लेना, मैं ऐसा दामाद ढूंढ के दिखाऊंगी सबको। हिम्मत नहीं हारने वाली मैं, याद रखना मेरी बात। बिल्कुल हाँ, मिल जाएगा इंशाल्लाह। खैरियत तो है, आज यहाँ कैसे आना हो गया तुम्हारा? एक बार तुमने कहा था ना कि मुझे शहतूत बहुत पसंद है, तो मैं ये शहतूत तोड़ के लाया हूँ अपने गार्डन से सिर्फ तुम्हारे लिए। कितनी तकलीफ की ना तुमने। वैसे ये बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल ताजा है, मुझे बहुत अच्छे लगे। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या जरूरत है, वैसे ये खवातीन कौन है? वो फरीदे आंटी है, हमारी मालिक मकान, और ये अमीने आंटी, और ये अम्मी है मेरी रूममेट की। बहुत ही समझदार और खूबसूरत लड़के हो तुम। ये तो आपका हुस्न नजर है। असली? हाँ। जरा मुझे बताओगी कि तुम इसे कैसे जानती हो? आईपिक की वजह से, आईपिक का इनसे एक रिश्ता है। करीम और आईपिक दरअसल आपस में। हाँ, क्या? क्या? दरअसल हम दोनों दोनों कजन्स हैं। कजन सब लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, इन लोगों से ज्यादा तो हम अच्छे आइडियाज दे सकते हैं इन्हें। कौन सोना? यही डिजाइनर्स जो बड़े बड़े मशवरे दे रहे हैं मुराद सर को कि ऐसे कर लीजिए, और मुराद सर को देखो मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं। उन डिजाइनर्स को अगर कुछ नहीं आता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुराद सर के सामने तो कोई राय दे ही नहीं सकता। हयात, क्या चाला क्या है? तुम्हें भी तो पता है, उन्हें कुछ भी कहते रहो किसी की नहीं सुनते। क्या कहा, जरा फिर से कहिएगा। वो कुछ नहीं सुनते। इससे पहले जो कहा, हाँ तो सही तो कह रही हूं मैं, अगर आप दूसरों की बात सुन लेंगे। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, चलो आओ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम काम क्या करते हो? दरअसल मैं एक प्राइवेट कंपनी में ट्रांसपोर्ट देखता हूँ। लिस्ट में डाल दो इसे। अभी डाल देते हैं आपा। जैसे उनको पता लगेगा घर से निकाल देंगे मुझे। अच्छा, क्या तुम और तुम्हारी फैमिली बलाती के रहने वाले हो? हाँ, हम 7 पुश्तों से बलाती में रहते हैं। पूरा बलाती हम लोगों से वाकिफ है, बहुत इज्जत है हमारी। अब अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफ करते हुए। बिल्कुल ठीक बोल रहे। और मेरे घर वाले बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। एक और पॉइंट मिल गया, लिखो इसमें। क्या बात है। सब आज ही बता दो कि इन्हें। अपनी आर्मी की ट्रेनिंग पूरी कर ली तुमने? हाँ, मैंने अपनी आर्मी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह की है मैंने आंटी। किस तिलहारों को मैं कुर्बान जाऊँ, कैसे मुझे एमने आंटी कह रहा है? सदके जाओ तुम पे, तुम्हारे मुंह से एमनी आंटी सुन के कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब तो मुझे अल्लाह ही बचाएगा, तुम तो मर गई असली। अगर आप चाहें तो कोई भी काम बिला झिझक आप मुझसे कह सकती हैं। इधर आ, इधर आ, मैं तुझे प्यार करूं, मैं सिदके जाऊं तेरे। मेरा अल्लाह हमें खाली हाथ वापस लौटाना नहीं चाहता था, अल्लाह तेरा शुक्र है। फरीदे, छोड़ो बाकी लोगों को, मुझे लगता है यहाँ हमारी बात बन के रही। काम हो गया। ऐसा करें फरीदे आंटी, इस पर मोहर भी लगवा लें। हयात और आईपिक,
मेरी जान ले लेंगे, जान ले लेंगे। पुराने डिजाइन को अगर हम नए कलेक्शन के साथ जोड़ें, जैसा कि आप जानते हैं कि मुराद सर को किस किस्म की चीजें पसंद है, पुराने डिजाइन को बिल्कुल नहीं बदल सकते, उनसे मिलाकर ही कुछ नया अच्छा बन सकता है, बाकी जो आपको ठीक लगे। वैसे मैं मिस हयात की बातों से मुत्तफिक हूं। बदकिस्मती से मैं भी। हम लोग एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता कि इस काम को शुरू कैसे करना है। इसके लिए हमें और मजीद अच्छे आइडिया सोचने होंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट रुको, ये किसकी कॉल है? हेलो, बोले। हेलो, क्या मैं दीदन से बात कर सकती हूँ? मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोले। मैं अजमी बात कर रही हूँ, आप दीदन है ना? माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओफो, मैं अजमी हूँ, अजमी। कौन है दीदन? कोई बुढ़ी औरत है शायद। क्या यतीम खाने से बात कर रही हो? इमदाद चाहिए? ओह, ये गरीब लोग। मैं अजमी सरसलीमास बोल रही हूँ, मुराद की दादी। क्या अजमी आंटी आप हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से करीम मेरा कजन कैसे बन गया। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? इसका जवाब तो असली देगी। तुम दोनों मुझे ताने देना बंद कर दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि अब मैं करीम के मामले में नहीं पड़ना चाहती। सरप्राइज सरप्राइज, बिल्कुल सही वक्त पर आई हूँ मैं। आज तो गजब ढा रहा है ये। अरे कैप्टन, तुम ऑफिस में पूरे कपड़ों में क्यों आते हो हमेशा? कभी इस तरह भी आया करो ना। बहुत ही बुरा आइडिया है टूअल। वैसे तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तरह काम करना चाहता हूँ भाई, काम भी तो जरूरी है ना। फिर मैंने मिस टूअल को अपने आइडिया के बारे में बताया और हम दोनों यहाँ आ गए। और इतनी अच्छी जगह पर काम करने का मजा ही अलग है। अच्छा, मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूँ कि यहाँ स्विमिंग पूल पे बैठकर मैं ऑफिस का काम करूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, मुझे मत घसीटो इसमें। भाई काम बहुत ज्यादा है और टाइम नहीं है, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। बाद में आप कहोगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसीलिए मिलके काम करते हैं। चलो ठीक है फिर, डन। आज तो इस घर का मौसम ही चेंज हो गया है, कहीं मुझे तुमसे इश्क ना हो जाए मुराद। मेरे ख्याल से तुम लोग के पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जाके काम शुरू करो, मैं लैब पूरा करके आता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? घर की सजावट ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही आंखों को भाए। हमारे जमाने में भी लोग बहुत अच्छा सजाते थे। अच्छा फरीदे, तुम बताओ, अगर तुम्हें घर सजाना हो तो क्या करोगी? कहां कहां से उसको सही करोगी? कैसा कलर करवाओगी? कैसे सजाओगी? सजावट? हाँ, सजावट बहुत ही जरूरी होती है, घर खूबसूरत लगता है इससे। फरीदे आंटी, खुद घर सजाने में हमारे हाथों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा किस लिए? जबरदस्त, साटे कंपनी की न्यू डिजाइनर ऐसा डिजाइन करेगी कि कंपनी का पूरे शहर से नामो निशान ही मिट जाएगा। तुम ऐसा मत कहो यार। अच्छा सुनो, घर सजाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इस काम के लिए, समझिए। अच्छा चलो, पुरानी चीजें इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल यूनिक आइडिया है ना। इन आजकल की लड़कियों को क्या पता डिजाइनिंग का, घर की सजावट कोई आसान काम थोड़ी है। पर्दे की जगह ये कपड़े डाल देती हैं बेवकूफ लड़कियां। हाँ, इन लोगों को घर की सजावट के बारे में क्या पता, इन लोगों ने कभी ऐसा काम किया है भला? तुम्हें सुपली का घर याद है? कैसे एक एक चीज को सजा के रखती थी वो, हर चीज परफेक्ट, कुछ अधूरा नहीं। तुमने तो देखा था ना, तुम्हें याद है? हाँ, हाँ, बिल्कुल याद है। ओ, पूरे किचन में खूबसूरत शीशे का काम हुआ हुआ था, सोने वाले कमरों में गालीचे देख के आंखें खुलती थी, और दीवार पर तस्वीरें अपने बुजुर्गों की। ओहो, घर नहीं महल था, महल। हाँ, क्यों ना एक काम करें, सुपली को यहाँ बुला लें, कमाल हो जाएगा यहाँ। हाँ सही कह रही है, इन लोगों के सारे मसले हल हो जाएंगे। ये तो कमाल ही हो गया, क्या सोल्यूशन निकाला। हाँ, हाँ। सुपली मैडम साटे की नई डिजाइनर बनेगी, सबको छोड़ देगी पीछे। देखो मैं कितना परेशान हो रही थी, इन लोगों ने तो मस्त ही हल कर दिया। हाँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे मिलकर। जब आपकी कॉल आई तो मैं तो घबरा ही गई थी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैम कि मैं आज आपसे मिलने के लिए आई हूँ। बैठो बेटी।
तुम मुझे मैम क्यों बुला रही हो बेटा? तुम मुझे आंटी कह सकती हो। क्या पता कल कोई ऐसा मौका आ जाए कि तुम मुझे दादी कहकर बुलाओ। हाय दादी जान को कितना अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुराद मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं उन सब लोगों को जानना चाहती हूँ जो उसके लिए अहम है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है कि मैं तुमसे मिल लूँ। समझ गई। मैं अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हूँ। मैं हर काम करना जानती हूँ। बहू बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद है मुझ में। और वो जो न्यूज देखी थी आप लोगों ने हमारी, उसकी वजह से मेरी फैमिली भी बहुत परेशान हुई। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। दो दिन तक किसी से नहीं मिली। मैं तुम्हें अपना तजुर्बा बताती हूँ। बताइए। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। जी हाँ सही कहा। अब मुझे ये बताओ, मुराद के साथ तुम्हारी किस हद तक रिलेशनशिप है? सही। अब क्या बताऊं? मेरा और मुराद का पहले भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुराद मुझसे नाराज हो गया और फिर उसके बाद हम लोगों का ब्रेकअप हो गया। मुझे याद नहीं करना। रो क्यों रही हो? अपने आंसू पोंछो और मुझसे बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना उदास होने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब उदास मत हो, मेरी बात मानो। तुम अपने आंसू पोंछो और मूड ठीक करो। हम दोनों अंदर चलते हैं, मिलकर दोनों चाय पियेंगे। तो चले चले। ठीक है दादी जान। क्या बात है, आजकल नेट पे अच्छे लड़के नहीं मिल रहे तुम्हें, या अच्छे लड़कों को छुट्टी दे दी है? अगर तुम लोग मेरा घर काम के लिए यूज ही कर रहे हो तो फिर चाला को भी बुला लो ताकि वो मुझे असिस्ट कर सके, और ये काम जल्दी कर दो। जो आपका हुक्म बॉस। बॉस का हुक्म है, चलें बम्बी को फोन करते हैं। तुम चाला को बम्बी कहते हो? नहीं नहीं, हयात को। हैं? मुराद ने चाला को बुलाने के लिए कहा है? अरे कौन बर्दाश्त करेगा उसे, देखा है सीरियल किलर जैसी लगती है वो, मुझे तो डर लगता है उससे। बिल्कुल। मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे अभी जेब से चाकू निकालेगी और किसी के पेट में घुसा दे। वैसे तुम में इंसानों को परखने का टैलेंट बहुत है। देख लेना तुम, एक दिन राज होगा इस टैलेंट की वजह से इस दुनिया पे। क्या क्या किसका? टूवल का। अच्छा अच्छा बस करो फोन मिला ले तो। टूवल का। रुक जाओ, फोन मिलाने दो मुझे। टूवल भी हमारे साथ है, पेंडिंग का बहुत सारा काम खत्म करना है। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। नहीं तुम मत आना, मैं खुद ही आ जाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा सुनो, हो सकता है अभी काम खत्म करते करते सुबह हो जाए, क्योंकि काम का लोड ज्यादा है ना, घर पे बता देना। हाँ नो no. हाँ यही है। वो ठीक है। मैं चाय बनाने से पहले उसमें पत्ती डालती हूँ, आप लोग क्या करते हैं? अब मैं अपने तरीके से बना लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लगता है कम है। चाय चढ़ा दी, बस अब थोड़ी देर में स्पेशल चाय तैयार। अच्छा मुझे ये बताइए फ्राई पैन कहाँ है? इस ड्रॉ में। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ नीचे। अच्छा आपके पास होगा वो मायोनीज और क्रीम निकालने वाला? नहीं तो। अच्छा ओके। मुझे अंडे तोड़ना बहुत बुरा लगता है, मालूम है क्यों? डर लगता है इसमें से कहीं चूजा ना निकल आए। सच में। हम्म।
वहां जाऊं तो मसला, ना जाऊं तो मसला, अम्मी से परमिशन लेना एक और मसला, और अगर नहीं गई तो वो यहाँ लेने आ जाएगा, मतलब यहाँ नहीं सोना प्रैक्टिस के घर। तो इस सिलसिले में हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं तो ना मुराद की शक्ल देखना चाहती हूँ और ना ही उससे कोई बात करना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। मेरे ख्याल से तो तुम्हें बात करनी चाहिए, दिल की भड़ास निकलेगी तुम्हारी। कैसे? जिसे आप पसंद करते हो अगर वो आपकी आंखों के सामने किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़ के जाएगा तो कैसा फील करेंगी आप? मेरी आंखों के सामने से वो मंजर जाने का नाम ही नहीं लेता, घुट घुट कर रोती हूँ हर वक्त। हाय मेरी जान, आखिर क्या कर सकते हैं हम लोग, तुम्हारा बॉस भी तो है और दूसरी तरफ तुम्हारी अम्मी, वो हर बार एक नया मसला खड़ा कर देती है। देखो मेरी बात सुनो, इन सारी टेंशन को एक साइड पे रखो, तुम्हें उसको अच्छा काम करके दिखाना होगा ताकि तुम पर कोई बात करने का मौका ना मिले उसे। चलो ठीक है, मगर अम्मी को क्या कहूं अब मैं? वहां दुरुग के साथ टूअल भी है ना? हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। समझ रही हूँ तूफान मैडम, लेकिन इसके बाबा का मसला है। तूफान नहीं, टूअल याद रखिए, टूअल। वैसे तो आप मुझे बहुत समझदार लगती हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एक औरत अपने शौहर को किस तरह से मनाती है। जी जी मैं समझ रही हूँ आपकी सारी बात। तमाम मैडम आप बहुत अच्छी हैं, मैं क्या बोलूँ अब आपको। टूअल, अब आप भी मजबूर हैं अपने कामों की वजह से, अगर ये नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। ये आ जाती है आपके पास, लेकिन इसे जल्दी वापस भेज दीजिएगा। उसकी तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कैसी बातें कर रही हैं, अच्छी तो आप हैं। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। जी करवाइए। बहुत ही अच्छी खातून है ये माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया टोवल मैडम, बड़ी मुश्किल सिचुएशन से आपने मुझे बचाया है। आपको तो पता है, बता चुकी हूँ सब कुछ। मैं जानती हूँ हयात, मैं जानती हूँ, तुम बता चुकी हो मुझे किस कदर बुरा हुआ है इसके साथ। आपके साथ टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, बहुत मजा आया मुझे। अब मैं आपका हालचाल पूछने आती रहूंगी दादी जान। हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, जब भी तुम्हारा जी चाहे मुझसे मिलने आ जाना। मुझे इतनी अच्छी लगी है आप, मेरा आपको छोड़कर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा, जी चाह रहा है और बातें करें। वैसे कल मिलने आ सकती हूँ आपको? हाँ कल तो मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तुम किसी और दिन आ जाना, लेकिन पहले फोन कर लेना। ठीक है, ओके फिर मिलेंगे। अच्छा बेटी अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह क्या बला थी ये लड़की, मुझे तो पागल कर दिया इसने। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को इससे बचा ले, इससे दूर रख। ये इस घर में आ गई तो ये घर तो तबाह हो जाएगा। बताओ तो जरा, इस लड़की को तो कुछ भी करना नहीं आता, भला इसका मैं क्या करूंगी? मेरे अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसी निकम्मी फूहड़ लड़कियों से दूर रख।
देखो अगर तुम फिर से उस माफी का ड्रामा करने आई हो यहाँ तो उसकी जरूरत नहीं है। मैं क्यों मांगूंगी माफी आपसे? आप मांगे। किस बात की? अरे वाह आ गई तुम और टाइम पर भी आई हो। कैसी हो मेरी गुड़िया? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें चाला को बुलाने के लिए कहा था। क्या हो क्या भाई, अगर हयात को बुला लिया तो कोई मसला है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं था आने का। अब जब आ गई हो तो जाना कैसा? अरे इनका ये मतलब नहीं था, तुम तो जानती हो ना इनको, काम की वजह से थोड़े परेशान, लेकिन आखिर हैं तो तुम्हारे बॉस ना, और बॉस का बुरा नहीं मानते। किस्मत खुल जाएगी मेरी बेटी की, कितना अच्छा लड़का है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत, मेहनती, अच्छी शक्ल वाला, माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए। बस अब हयात और करीम एक दूसरे को पसंद कर लें। मैं तो चाहती थी कि सारी बातें आज इससे कर लेती, लेकिन उसका काम आ गया और चली गई सब छोड़ छाड़ के। इसमें परेशानी क्या है? अरे उसने वापस घर तो आना है ना। आ जाएगी तो कर लेंगे दो दो हाथ। ये कौन आ गया? क्या मिस आईपिक यहीं रहती हैं? हाँ वो यहीं रहती है। ये लीजिए, उनके नाम पर ये पार्सल है मैडम। ला मुझे दो। यहाँ पे? जी हाँ। ये लो बेटा। शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं। कौन था ये? कोई कोरियर वाला था। चलो देखते हैं क्या होगा। खोलो खोलो। सबसे पहले सबको सलाम। आज मैं जिन हस्तियों से मिला था वो बहुत बड़ी हस्तियां हैं। एमिने आंटी और फरीदे आंटी दोनों बहुत अच्छी हैं। मेरा भी नाम लिखा है और ये भी लिखा है कि आज आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। उसी खुशी में मिठाई भेजी है। आपका करीम। सच के जाऊं। वाह वाह, बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने मेरा दिल जीत लिया है। फरीदे सुना तुमने? कहता है मेरे जैसी हस्ती से आज तक कभी मिला ही नहीं। माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, उसके बारी बारी जाऊं। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही नफीस है और खानदानी भी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, बहुत जल्द हमारे घर मिठाई लेके आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने पहले से ही मिठाई भेज दी। हमारे दिल की बातें तक जानता है ये लड़का। अच्छा एक बात आ रही है मेरे दिमाग में, उसे खाने पे बुलाते हैं। अब देखो ना, उसने मिठाई भेजी है, हमारा भी तो कुछ फर्क बनता है। सही कह रही हो, बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, हमारी प्रॉब्लम कुछ और है। सारथी के बेनिफिट्स के हिसाब से अगर हम सोचें तो इसमें कोई खास फायदा नहीं है हमें। और अगर दूसरे हिसाब से सोचें तो सारथी कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट भी लगता है। अगर सिर्फ टेक्सटाइल डिजाइनिंग में हम लोग कोई न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएं तो? सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बस भाई मुझसे तो अब आगे काम नहीं होता, अब तो मेरा पेट कुछ मांग रहा है। अगर आप में से किसी को कुछ चाहिए तो बता दे। अगर आप चाहें तो मैं कुछ बना सकती हूँ। तुम अकेली शायद कुछ ना बना सको, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैप्टन कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। कुछ नहीं, बस फोटोज के बारे में सोच रहा हूँ। वो जो दीदम वाली थी। ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो वहां मौजूद था, मगर कौन हो सकता है ये नहीं मालूम। मैं सोच रहा था कि अपने एडिटर से बात करूं, शायद उसे पता होगा ये सब किसने करवाया, लेकिन अजीब लग रहा है मुझे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। किसे कॉल कर रही हो तुम? मैं कॉल कर रही हूँ न्यूज़पेपर के एडिटर को, जो तुम्हारी पिक्चर छापी है उसके लिए। एक जमाने में बॉयफ्रेंड रहा है वो भी मेरा। इसका मतलब दुरुख सही कहता है, तुम्हारे पास हर मर्ज की दवा है। ऐसा ही है, पूरी दुनिया कहती है ये मेरे लिए। ओला शेप किमिया मोर किताल से
जब मैं स्पेनिश में बोलती हूँ तो वो पागल सा हो जाता है मेरी बात सुनकर। किताल सी शेर की दन्ने। तुम क्या हो असली? तुम्हारे जो जी में आता है तुम वो करती हो, मेरे बारे में कुछ भी कह देती हो। पता नहीं क्या क्या कह दिया तुमने अमने आंटी को। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। हाँ तो खामोश रहती, करीम को मेरा कजन बना दिया। खैर कजन बना दिया, ऊपर से मिलवा भी रही हो उनसे। बिल्कुल है, जरा ये सोचो अगर वो बुरा इंसान होता तो मिठाई खुद लेकर पहुँच जाता बजाय कोरियर करने के। इसका मतलब उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई भी है। हाँ वो एक सुलझा हुआ और बहुत खुददार इंसान है, तुमने अभी तक उसे समझा ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये मिठाई बहुत अच्छी है, खाओ तो सही, थोड़ी सी खा लो, बहुत मजे की है, शर्माओ नहीं, लो थोड़ी सी खाओ ना, खाओ ना, चलो नहीं खाओ। कह रही हो तुम, मुझे भी फ्रेश होने की जरूरत है, मेरा तो इस वक्त आउटिंग का मूड हो रहा है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा इस वक्त। आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, आए ना आप भी साथ चलें। वैसे ज्यादा लोगों में जाने का इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं, तुम लोग जाओ मैं घर में रहकर कोई मूवी देखूंगा। इतनी देर से कहाँ है मेरी प्यारी गुड़िया? अरे हाँ हयात नजर नहीं आ रही, आखिर कहाँ चली गई है? मैं जरा देख कर आती हूँ। अच्छा सुनो ज्यादा देर बाहर मत रहना, कल सुबह जल्दी आना है तुम्हें ऑफिस। जी हाँ पता है, अब काम करना है तो करना है, रात क्या और सुबह क्या। हयात कहाँ हो मेरी प्यारी गुड़िया? हाय कितनी प्यारी लग रही है, कितना काम करती है बेचारी। भाई मेरी प्यारी गुड़िया तो सो रही है तुम्हारे काउच पर बड़े मजे से। तो तुम उठा देती उसे? मैंने उठाया था उसे मगर वो गहरी नींद सो रही है बिल्कुल धुत। हाँ अब क्यों उठाना भाई उसे, बहुत रात हो गई है, सोने दो उसे। नहीं मैं किसी भी लड़की की जिम्मेदारी अपने ऊपर हरगिज नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। लगता है कि उसकी फिक्र करने वाला यहाँ कोई भी नहीं, और मैं कर भी क्या सकती हूँ इस मामले में। अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसके बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो भी मसला हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा भाई, हमें उससे क्या, हमारा मसला नहीं है। अच्छा भाई हम तो चले। सुबह मुलाकात होती है? कल दोपहर को। कल सुबह? कल देखेंगे, डिपेंड करता है कि रात को कब सोता हूं। जल्दी से बालकोनी में आओ, मुझे बात करनी है। अरे क्या तुम पागल हो करीम, इतनी रात को यहाँ पहुंच गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि जाकर तुमसे पूछूं कि जो मैंने मिठाइयां तुम्हें भेजी थी वो पसंद आई कि नहीं। बुरी थी वो। और तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? हाँ अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो मेरी मालिक मकान मुझ पे पागल हो जाएगी और शोर करेगी, क्या तुम्हें जरा एहसास नहीं? दांव पे लग जाएगी मेरे माँ बाप की इज्जत। सुनो तुम, यही तुम्हारी प्यारी बातें हैं एपिक,
जिन्होंने मुझे तुम्हारा आशिक बनाया है। तुम्हारे वालदेन ने कितनी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। मुझे पता है तुम्हारे वालिद जवाद साहब बहुत इज्जतदार इंसान है और मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे वो शर्मिंदा हो। इतना सब कुछ मेरे बाबा के बारे में कहां से मालूम हो गया तुम्हें? तुम्हें तो पता है मेरा, समी भाई ने बताया, वही जो नादरा में काम करता है। प्लीज करीम यहाँ से चले जाओ। ठीक है पेक, जा रहा हूँ। गुड नाइट। अब यहाँ वापस मत आना, अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे? क्या लड़की है, हर वक्त ही गुस्से में रहती है। मुझे तो बच्चों की फिक्र हो रही कि वो कितने गुस्से वाले होंगे। वैसे होंगे बहुत खूबसूरत। मंत्र बन गया है। मॉम आपको इतना बता दूं, भाई इस वक्त आपसे ज्यादा परेशान है। वो क्यों? क्योंकि वो गलत है। काफी गहरी नींद सोकर उठी हूँ मैं, कब आंख लगी पता ही नहीं चला। हो जाता है ऐसे। एपिक हयात की दोस्त है क्या ये जानते हैं आप? हमारे दरमियान ऑफिस के काम के अलावा और कोई